हाय गाइस, मैं हूँ दीपा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं करने वाली हूँ हरितालिका तीज मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी फेस को क्लीन। क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली ऑर्गेनिक का फेसियल क्लींजर यूज किया है। ये काफ़ी अच्छा फेस क्लींजर है। इसमें है टर्मरिक सी वर्कथॉर्न ऑयल, कैमामाइल ऑयल। ये हमारे फेस से ऑयल को कंट्रोल करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, प्रिवेंट पिगमेंटेशन है। इसकी MRP जो है वो है 349 एंड ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल है और इसे 150 डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएंगे अमेजोन पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्किन को तुरंत ग्लो कर देता है और आप देख सकते हो मेरे फेस पे। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिया है माइग्लैम का HD पोज फाउंडेशन। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट माइग्लैम का यूज करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने मैबलिन और लैक्मे का प्रोडक्ट यूज करके मेकअप किया था, बट आज मेरा थोड़ा अलग होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो आज माइग्लैम का प्रोडक्ट यूज किया जाए। और मेरे पास जितने माइग्लैम के प्रोडक्ट थे वो मैंने सबको साइड किया और सोचा कि चलो आज माइग्लैम का प्रोडक्ट यूज किया जाए। ये एक स्टिक फाउंडेशन है और ये HD फाउंडेशन है। ये हाई कवरेज देता है और ये काफ़ी इजीली ब्लेंड है। मैंने इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो या फिर अपने हैंड से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ये अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो मैंने अपने पूरे फेस के साथ नेक पे भी इसे अप्लाई किया है। आप इसकी जगह पे कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे ये कितना इजीली ब्लेंड हो गया है। और मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, मैंने बस क्लींजर से फेस को वॉश किया था और इसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हो एक हल्का सा ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस पे कर लिया है ब्लेंड। और इसके साथ मैं करने वाली हूँ अपने आईब्रो को फिल। इसके लिए भी मैंने माइग्लैम के प्रोडक्ट का ही यूज किया है और इसे मैंने माइग्लैम का एक पैलेट लिया है और इसे मैं करने वाली हूँ अपने आईब्रो को फिल। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरे पेज को। और मेरा आईब्रो काफ़ी लाइट है इसलिए मुझे फिल करना पड़ता है। अगर आपके आईब्रो अच्छे हैं, ग्रोथ है, तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना आई मेकअप और इसके लिए मैंने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन कलर का आई शेडो और इनर कॉर्नर से मैं कोरल ऑरेंज ले रही हूँ। और ऑरेंज सेट एंड ब्राउन कलर दोनों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और इसको ब्लेंड करने के बाद मैं कॉपर कलर लूंगी और कॉपर कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और दोनों को मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद मैं लूंगी सेंटर पॉइंट के लिए थोड़ा सा गोल्ड कलर और ये सिमरी शैडो होगा। तो इस तरह से सेंटर पे जब आप गोल्ड कलर अप्लाई करते हैं तो आपकी आंखें पहले से थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है। तो मैंने आई शैडो अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ। आज मैंने काजल को स्किप किया है क्योंकि काजल, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना हो अगर, तो आप काजल को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये आपके फेस पे स्मच हो सकते हैं। और अगर समर का सीज़न है और आपको स्वेटिंग ज़्यादा आती है तो फिर आप अवॉइड कर दीजिए। और यहाँ पर मैं अपर एंड लोअर दोनों लाइन पे आज आईलाइनर ही अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने काजल को कर दिया है स्किप और मैं आई मेकअप पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरा आज का लिपस्टिक थोड़ा लाइट शेड रहने वाला है। इस तरह के मेकअप आप जो है वो हल्दी प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, साथ ही किसी के शादी या फिर पार्टी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी येलो ड्रेस, येलो साड़ी, येलो गाउन के साथ आप इस तरह के मेकअप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो इस तरह से काजल, सॉरी, आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ी सी ब्राउन कलर लेके अच्छे से स्मच कर लेती हूँ। और इसके साथ ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा। मस्कारा को मैं अपने दोनों लैसेस पे अप्लाई करूँगी, अपर एंड लोअर दोनों। अगर आप चाहें तो आप लैसेस भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो आप लैसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने फेस को कर लेती हूँ कॉन्ट्यूर। मैंने यहाँ पे पाउडर कॉन्ट्यूर यूज किया है। आपके पास अगर स्टिक कॉन्ट्यूर है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपका फेस ऑयली हो तो आपको पाउडर वाले प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करने चाहिए और अगर आपकी फेस ड्राई है तो आपको लिक्विड वाले ज़्यादा अप्लाई करने चाहिए। इससे
आपके फेस का बैलेंस बना रहता है और एक अच्छा सा नेचुरल लुक आते हैं फेस पे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े करके मैंने कंटूर कर लिया है और आप देख सकते हो थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मैं जो वीडियो शूट करती हूँ वो नेचुरल लाइट में करती हूँ, तो कभी कभी हो जाते हैं इधर उधर। और इसके बाद मैं माइग्लैम का केप प्ले कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। इसकी जगह पे आपके पास कोई भी पाउडर हो वो अप्लाई कर सकते हैं, बनाना पाउडर यूज कर सकते हैं आप, कोई भी सेटिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, आपके पास जो कॉम्पैक्ट हो आप उसे वो यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। कॉम्पैक्ट यूज करने के बाद एक तो क्या होता है कि हमारे फेस पे जो है वो स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती और हमारे जितने प्रोडक्ट हमारे फेस पे अप्लाई होते हैं वो शेड हो जाते हैं और एक अच्छा सा स्मूथ टच होता है। तो इसलिए कॉम्पैक्ट यूज करना या फिर कोई भी सेटिंग पाउडर अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं अप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा सा ब्लश। ब्लश मैंने यहाँ पे एकदम लाइट शेड यूज किया है। देन इसके बाद मैं हल्का सा हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। हाइलाइटर को भी मैंने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई किया है, चीक बोन पे, चिन पे, नोज पे एंड आईब्रो के ऊपर एंड थोड़ी सी फोरहेड पे मैंने अप्लाई किया है। और इसके बाद मैं अप्लाई कर लेती हूँ लिपस्टिक। ये मेरा फेवरेट कलर लिपस्टिक है, ऑल टाइम मेरा ये फेवरेट कलर है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया है। तो इसके बाद मैं एक छोटी सी बिंदी लगा लेती हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड मेरा मेकअप डन है। इसके साथ मैं एक इयररिंग लगा लेती हूँ। मैंने अपने बालों में आर्टिफिशियल गजरा लगाया है। फ्रेंड अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने ब्यूटी का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।